हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। नेक्स्ट में करना क्या है गाइस, हम लोग को पिक्सार ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सार ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या, यहाँ से चल जाना हम लोग को प्लस वाले सेक्शन पे एडिट फोटो पे और बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सार ऐप में। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से, जो कि ये है बैकग्राउंड गाइस। बैकग्राउंड में पीएनजी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहाँ से जाकर मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस करना क्या, मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड करना मेरे वेबसाइट से। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना गाइस, मैं इसी तरह का बैकग्राउंड पीएनजी वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और आपको फोटो एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं वहाँ से आपसे बात करता रहता हूँ। इस तरह से बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद करना क्या, पहले तो चल जाना हम लोग को टूल्स पे, क्रॉप पे, पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके नीचे हम लोग को ड्रैग करके क्रॉप कर लेना कुछ इस तरह से। अब करना क्या है, स्क्रॉल अप करके चल जाना हम लोग को पहले तो ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को टैडी को ऐड कर लेना है, जो कि ये रहेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहेगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से जूम करके इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या, फिर से हम लोग को चल जाना ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को ब्लू कलर का टैडी को ऐड कर लेना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि कुछ ये रहेगा। इसको हम लोग को इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। अब करना क्या है, हम लोग को यहाँ से फिर इस ब्लू वाले टैडी पे क्लिक करके इरेजर के ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करके सबसे लास्ट पे क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट बना लेना है। एक डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग को जूम आउट करके इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। अब करना क्या, यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। फिर से चल जाना हम लोग को ऐड फोटो पे, और अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं कर लिया हूँ गाइस, देख सकते हो। अगर आपको मॉडल का बैकग्राउंड अरेंज करना नहीं आता तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है, जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा बैकग्राउंड रिमूव करना वन ही क्लिक पे। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या, अच्छे से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा कुछ इस तरह से। अब करना क्या, हम लोग को यहाँ से चल जाना है, थोड़ा सा मैं इधर को कर लेता हूँ अपने फोटो को। हम लोग को यहाँ से करना क्या है, फिर से चल जाना हम लोग को ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हम लोग को करना क्या है, यहाँ से और एक टैडी को ऐड कर लेना, जो कि ये रहेगा। इसको ऐड करने के बाद कुछ इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। अब करना क्या है, यहाँ से हम लोग को इरेजर के ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से मूव डाउन कर लेना है। हम लोग देख सकते हो गाइस, इस तरह से करने के बाद करना क्या है, यहाँ से हम लोग फिर से चल जाना है ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को पीएनजी मिल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि कुछ ये रहेगा। इसको ऐड करने के बाद करना क्या, पहले तो हम लोग क्रॉप पे चल जाना है, और यहाँ से हम लोग को पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करके क्रॉप कर लेना है, और कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा हम लोग का। तो मैं थोड़ा सा मॉडल की फ़ोटो को और अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो गाइस मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद करना क्या, अब यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। बैक होने के बाद करना क्या, स्क्रॉल डाउन करके हम लोग चल जाना है टेक्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ से हम लोग को ये टाइप कर लेना है। इस तरह से हम लोग को करने के बाद करना क्या, यहाँ से हम लोग को डन कर लेना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को इतना इंक्रीज कर लेना है, फिर हम लोग को यहाँ से फॉन्ट को एक अप्लाई कर लेना है, जो कि ये रहेगा। इसको करने के बाद कुछ इस तरह से अच्छे से हम लोग को एडजस्ट करके लगा लेना है। कुछ इस तरह से करने के बाद करना क्या, हम लोग को यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या, हम लोग को फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को टैडी को ऐड कर लेना है, जो कि ये रहेगा। इसको ऐड करने के बाद करना क्या है, हम लोग को इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और जस्ट यहाँ से हमको इरेजर पे चल जाना है, इन्वर्ट कर लेना है, रिस्टोर पे क्लिक करके हम लोग को यहाँ से रिस्टोर कर लेना है अंदर की साइड से। कुछ इस तरह से अब करना क्या है, यहाँ से डन करने के बाद ओबेसिटी को कम कर लेना, फिर इरेजर पे चल के इरेज पे चल जाना, और हम लोग को हाथ के ऊपर जो पार्ट आ रहा है उसको इरेज कर लेना अच्छे से। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट, और यहाँ से डन कर लेना, फिर यहाँ से हम लोग को ओबेसिटी को बढ़ा लेना है, फिर हम लोग को इरेजर टूल पे क्लिक करके रिस्टोर पे चल जाना है, और अच्छे से हम लोग को पेंट कर लेना है। इस तरह से पेंट करने के बाद करना क्या है गाइस, हम लोग को
व्हाइट वाले पार्ट को अच्छे से इरेज कर लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ से डन करके बैक हो जाना। देख सकते हो गाइस क्या ही ऑसम लग रहा है फोटो। फोटो को आप थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए करना क्या होगा, स्क्रॉल डाउन करके चल जाना टूल्स पे, एडजस्ट पे, शैडो पे। शैडो को हम लोग को यहाँ से बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेना है, क्लियरिटी को तो बढ़ा ही लेना है, और सैचुरेशन को हम लोग को हल्का सा बढ़ा लेना है। अब करना क्या है, यहाँ से हम लोग को टैंप को रख लेना है ब्लू टोन में, जो कि ये रहेगा -T20 के साइड, और डन करके बैक हो जाना। अब फिर हम लोग चल जाना इफेक्ट पे, और यहाँ से हम लोग चल जाना है एफएक्स पे, सबसे लास्ट चल जाना विग्नेट पे। फिर हम लोग को यहाँ पर आगे बैक क्लिक करके यहाँ से साइज को फुल करके फेड को हम लोग को 80-90 के अराउंड रख लेना है, यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। देख सकते हो क्या ही ऑसम लग रहा है फोटो। आप करना क्या है, इफेक्ट पे जाके हम लोग को सैंपल पे क्लिक करके सबसे लास्ट ड्रैग कर लेना है, यहाँ से हम लोग को सैचुरेशन का एक आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। देख सकते हो गाइस क्या ही मस्त लग रहा है फोटो। फोटो को सेव करने के लिए पहले तो करना क्या होगा, स्क्रॉल अप करके चले जाना डॉट टूल पे, थ्री डॉट पे, सेव इमेज, फोटो जगह सेव। देख सकते हो गाइस, तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स से बताना ना भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना डेली इस तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय।